तो इस बार हमने तीन टाइप के नूडल्स लाए, तीनों अलग अलग टाइप से बनते हैं। ये नॉर्मल नूडल्स है जो हम नॉर्मली जैसे बनाते हैं। मैं मेरे 10 लकी सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट हैम्पर देने वाली हूँ। तो अभी मुझे पक्का समझ गया कि कोरिया में इतने रामेन फेमस क्यों। तो फाइनली झलम में मेरे हाथ में, मैंने हमेशा इसको कोरियन ड्रामा में देखा है। इतना बड़ा सॉस का पैकेट, उनको देख देख के ना मुझे भी अभी बहुत आदत हो गई है मुंह भर भर के खाने की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है पार्ट 2 ऑफ ट्राइंग कोरियन नूडल्स। तो इस बार हमने तीनों नूडल्स अलग अलग टाइप के बनाए हैं। जागी रही तो इस बार हमने तीनों अलग अलग टाइप के नूडल्स मंगाए, तीनों अलग अलग वेज में बनते हैं। जो नॉर्मल नूडल्स हैं, हम जैसे नॉर्मली नूडल्स को बनाते हैं वैसे ही। कप नूडल्स तो सबको पता ही होगा, सिर्फ हॉट वाटर डाल के बनाना पड़ता है। और ये स्टिक वाले नूडल्स हैं, नूडल कहते पूरी जैसे स्टिक रहते हैं, और जैसे ही वो वार्म वाटर में जाते तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं नूडल्स जैसे। अभी कोई नॉर्मली इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेगा तो बोलेगा छाजांग मैन, और इसको छाजांग म्यून बोलते हैं, और सीख के आई हूँ मैं। तो अभी इसका जो फ्लेवर है वो है स्वीट एंड स्पाइसी, और ये है स्पाइसी, और इसका भी हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि पूरे पैकेट में कुछ नहीं लिखा है कि ये कैसा टेस्ट करेगा। छाजांग में हम बेसिकली ब्लैक बीन सॉस नूडल्स जो कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसको हम लास्ट में ट्राई करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है इन पर। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो कप नूडल्स रहते हैं उसकी सिर्फ इतना ही नूडल्स रहता है, और यहाँ पे गैप रहती है यहाँ पे गैप रहती है, पर हम इसे फाड़ के देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ही डब्बा है, और वो फट गया तो फिर नूडल्स बन नहीं पाएंगे। अभी हम ये नूडल किट को ओपन करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या है देखने के लिए। तो जैसे मैंने बोला था कि ये स्टिक वाले नूडल्स जो पानी में जाते ही नॉर्मल नूडल्स बन जाएंगे, और ये सॉस, दो सॉस है इसमें एक्चुअली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें दो पैक क्यों दिए सॉस की, क्योंकि नूडल्स तो काफ़ी कम है, इसको दो बार तो बना नहीं सकते। मुझे लगता है दोनों पैकेट एक साथ आना। अरे यार, मुझे इसको फाड़ने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है। तो ये एक सॉस का, इतना बड़ा सॉस का पैकेट और नूडल्स बस। तो अभी मुझे पक्का समझ गया कि कोरिया में इतने रामेन फेमस क्यों, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के, किसी में एकदम नूडल्स के सॉस मिलेंगे बहुत बड़े, किसी में वेजेस मिलेंगे, किसी में ऑयल, और सबके तरीके अलग है, सबकी पैकेजिंग तो एकदम क्यूट है, मतलब मन हो जाता है इतना खाने का। तो सबसे पहले मैं एक कप नूडल्स ट्राई करूँगी, फिर एक केक ट्राई करूँगी, और फिर छा जाऊँगा। तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखेगा कि सीजनिंग का पैकेट रहेगा अंदर, और फिर यहाँ पे वेजेस रहेंगे, उसके नीचे नूडल्स रहेंगे। तो अभी इसमें हम गर्म पानी डालेंगे एक कप। नेक्स्ट है ये मसाला का पैकेट, जा रहा है नहीं रहा है ये तो। तो फाइनली अभी ये बन चुका है, तो ये फर्स्ट बाइट मैं भी लेने जा रही हूँ। बहुत टेस्टी है, और एक तो ये सबसे इजी है बनाने में, और सबसे ज्यादा टेस्टी है। तो मैं जितने भी नूडल्स ट्राई किए सबसे ज्यादा टेस्टी ये वाला था। स्पाइसी तो मुझे कुछ लगा नहीं इतना, पर ये टेस्टी बहुत था, मतलब टेस्ट थी इसमें, सिर्फ स्पाइस नहीं था। तो इसे कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि जैसे पानी डाल दो वैसे कुक हो जाएगा, इसे थोड़ी देर रखना पड़ता है पानी डाल के, और फिर ये बन जाएगा। कोई ड्रामाज में दिखाते ना बहुत मुंह भर भर के खाते, पर मुझे अभी रीजन पता चल गया है क्यों खा दे, क्योंकि है ही इतना टेस्टी। उनको देख देख के ना मुझे भी अभी बहुत आदत हो गई है मुंह भर भर के खाने की, वरना फिर मुझे मजा नहीं आता है खाने में। यहाँ पे ना हमेशा सूप बच जाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पी लेते हैं सूप को। और कोरियंस क्या करते हैं कि एग डाल के एक तो माइक्रोवेव कर देंगे, या तो फिर उसमें राइस डाल के खा लेंगे। तो ये नूडल्स खाते वक्त ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो आप रोज रोज मत खाना इसको, वरना पेट खराब हो जाएगा। तो अभी मैं ये वाला नूडल ट्राई कर रही हूँ, पर इसमें मैंने बोला था कि दो पैक क्यों मिला, तो अभी मुझे पता चला कि वो इतने ज़्यादा नूडल्स थे, मतलब दिखते वक्त इतने ही लगे थे मुझे, पर अभी पूरा इतने सारे बोल भर के बने, तो मैंने अभी आधे ही लाया इसमें। तो एक ही पैकेट डालेंगे हम, क्योंकि दो बार बनने लायक इन्होंने दिया था।
मैंने अभी नोटिस किया कि इस पे लिखा है टू सर्विंग्स। अभी मैं इसमें सॉस डालने वाली हूँ। दिख तो बड़े फीके रहे पर बहुत स्पाइसी होने वाले हैं। तो ये जो स्वीट एंड स्पाइसी लिखा है ना एकदम करेक्ट लिखा है, क्योंकि मुझे इसमें स्वीट भी टेस्ट आ रही है और स्पाइसी भी। तो मैंने बोला था कि जो मैंने फर्स्ट कप नूडल्स खाया वो सबसे ज्यादा टेस्टी नूडल्स है आज तक के, पर अब मुझे दोनों सेम लेवल पे लग रहे हैं। ये भी उसी लेवल का टेस्टी है। तभी मैं सबसे ज्यादा जिसका वेट कर रही थी अभी छागल में उनकी बारी। तो नूडल्स तैयार हो गए, अभी सिर्फ इसमें सॉस डालना। फाइनली छजोंगयोन मेरे हाथ में। मैंने हमेशा इसको कोरियन ड्रामा में देखा है और मुझे इतनी इच्छा होती थी खाने की, और आज मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। तो मेरे छजोंगयोन ने मुझे पूरा डिसअपॉइंटेड कर दिया, क्योंकि मुझे स्पाइसी नूडल्स पसंद है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं और मीठा मीठा लग रहा है बस। तो ये काफी मीठा मीठा और मीठा नूडल्स खाने के तो कभी आदत ही नहीं है, तो बहुत अजीब लगा इसे खाकर मुझे। तो ऐसा है कि इसका खराब टेस्ट है, काफी लोगों को इसका टेस्ट अच्छा भी लग सकता है। तो आप लोग भी छजोंगयोन ट्राई करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा टेस्ट लगा। तो इनके पैकेट पे लिखा रहता है कि इसको गर्म ही खाना चाहिए, तो अभी मैंने ट्राई किया कि ठंडा खाने पर इसकी टेस्ट बिल्कुल ही अलग आ रही थी, तो हमेशा इसे गर्म ही खाना। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने तीनों नूडल्स ट्राई किए। आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा नूडल्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और एक बात की, मैं मेरे 10 लकी सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट हैम्पर देने वाली हूँ। उसके लिए आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सिर्फ सब्सक्राइब करके नहीं चलेगा, चारों करना पड़ेगा। तो जल्दी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो और मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ।